नमस्कार, मैं वैशाली। मेरी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है मिक्स वेज पराठा। नॉर्मली हम मेथी के, गोभी के पराठे तो बनाते ही हैं, पर आज मैंने बनाया है मिक्स वेज पराठा। और आजकल ठंड में सभी तरह की सब्जियां मार्केट में मिलती हैं, तो आप अपनी पसंद की सब्जियां लेके मिक्स वेज पराठा बना सकते हो और बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। तो चलिए देखते हैं मिक्स वेज पराठा में लगने वाली सामग्री और बनाने की विधि। मिक्स वेज पराठा बनाने के लिए मैंने दो गाजर लिए हुए, जिसे छील करके धो करके छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। चाहे तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन मैं इन सभी सब्जियों को चॉपर में बारीक चॉप करूंगी। और एक शिमला मिर्च ली है, जिसके बीज मैंने निकाल दिए, धोकर इसे भी छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। एक छोटी गोभी का टुकड़ा लिया हुआ है, जिसे धोकर छोटे टुकड़ों में काट लिया। 10 से 11 लहसुन की कलियां ली हुई है। 1/2 से 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। अगर आप लहसुन नहीं डालना चाहते हो तो इसे अवॉइड कर सकते हो। और लगभग एक बड़ा कटोरी मैंने फ्रेश मेथी ली हुई है, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा मिक्स वेज पराठे में। तो सबसे पहले मैं गाजर, गोभी और शिमला मिर्च को चॉप कर लूँगी। तो देखिए, मैंने एक चॉपर ले लिया है और अब मैं इसमें सभी चीज़ें चॉप करूँगी। तो जिसमें मैं गोभी, सभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें दो बार में अच्छे से चॉप कर लूँगी, जितना चॉपर में आ जाएगा। और साथ ही मैं लहसुन अदरक भी डालूंगी। तो मैंने लगभग 10 से 11 कली लहसुन की दी हुई है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो अब मैं इसे चॉप कर लूँगी। और पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा रखना, तभी अच्छा क्रंच आएगा पराठे में। ये देखिए, गाजर, गोभी, शिमला मिर्च को कितने अच्छे से चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है। और थोड़ा थोड़ा सा दरदरा रखा है, तभी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा पराठे में। तो अब मैं इसे एक परात में निकाल दूंगी, क्योंकि मैं मिक्स करके ही इसमें पराठा बना रही हूँ, आटे के मैं साथ में भून के ही। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी मेथी। तो मेथी को मैंने चॉप नहीं किया, चाहे तो आप चाकू से बारीक बारीक कट भी कर सकते हो। मैं सिर्फ पत्तियाँ ही ऐसे डाल रही हूँ। और अब मैं सबसे पहले इसमें मसाले डालूंगी सारे। धनिया पाउडर, तो 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया हुआ है। और 1 चम्मच जीरा को मैंने ड्राई रोस्ट करके दरदरा कूट लिया है, तो उसे डाल दूंगी। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा पराठे में। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, तो नमक जब भी खाएं सेंधा नमक खाएं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, तो 1/2 चम्मच में मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, चाहे तो जैसे चॉपर में मैंने सभी सब्जियां चॉप करी, उसमें मैं एक हरी मिर्च डाल सकते हो, या अपने स्वाद के अनुसार। अब मैं सभी चीज़ें पहले अच्छे से मिक्स करूँगी मसाले के साथ में, जो हमने मिक्स वेज ये चॉप करी हुई है। सब कुछ अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए इसके साथ में, उसके बाद में आटा डाल के अच्छे से आटा गूंदूंगी। और इतना आटा नहीं डालना है कि मिक्स वेज हमें ना दिखे, क्योंकि टेस्ट हमें सब्जियों का ज़्यादा चाहिए। ये देखिए, सभी सब्जियां अच्छे से मैंने मसाले के साथ में मिक्स कर ली है। और पानी भी अभी नहीं डालना है, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी मॉइस्चर है। मैंने किसी चीज़ को अच्छे से सुखाया नहीं है, क्योंकि सब्जियों का अपना एक जूस होता है, तो उसमें ही मैं पहले आटा गूंदूंगी। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया, आप देख सकते हो सब कुछ मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके, गेहूं का आटा लिया हुआ मैंने, तो वो डालूंगी। लगभग 1/2 कप मैंने डाल दिया है, तो और अब अच्छे से मिक्स करूंगी। और उसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पानी डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके। पहले इसके मॉइस्चर से गूंद लेती हूँ। ये देखिए, अभी कितनी नमी थी, आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये इस तरह से बाइंड होने लगा है। ये देखिए, मैंने पहले जितना आटा लिया था, और आप देख सकते हो कि सब्जी के अपने मॉइस्चर से ये पूरी तरह से बाइंड हो गया। तो थोड़ा सा आटा मैं अभी और डालूंगी, क्योंकि ये पराठे बेल के बनाने हैं। तो इतना रखिए कि दोनों का बैलेंस हो। तो इतना अब काफ़ी हो गया है आटा इसमें, ताकि सब्जियों का भी टेस्ट आए और पराठे बेल के भी हम अच्छे से बना सकें। ये देखिए, अभी तक मैंने पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, सब्जियों के मॉइस्चर से ही पराठा का ये जो आटा है अच्छे से गूंद गया है। और लगता नहीं है ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये देखिए मिक्स वेज पराठा बनाने के लिए हमारा आटा बहुत ही बढ़िया गूंद गया है, एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब मैं इसके पराठे बनाऊंगी। ये देखिए मिक्स वेज पराठा बनाने के लिए हमारा आटा तैयार है। बेलने के लिए मैंने यह सूखा आटा ले लिया है, गैस यहाँ पे ऑन कर दिए, बिल्कुल धीमी आंच पे तवा रख दिया है मैंने। तो शुरू करते हैं मिक्स वेज पराठा बनाना। तो जैसे कि हमें मालूम है कि हमने मिक्स वेज का टेस्ट ज़्यादा चाहिए, तो आटा ज़्यादा नहीं मिक्स किया है, इतना मिक्स किया है कि बाइंड हो सके, बेल सके। तो सूखा आटा लगाना पड़ेगा। देखिए आप जितने बड़े साइज के पराठे बनाना चाहते हो उस हिसाब से लोई ले सकते हो, अच्छे से गोला कर लेंगे। देख सकते हो आप ज़्यादा चिपक नहीं रहा, चाहे तो आप ऑयल लगा सकते हो, लेकिन मैं सूखा आटा ही लगा रही हूँ, ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं कर रही हूँ। बच्चों के टिफिन के लिए बना रहे हो तो आप छोटे छोटे साइज के मिनी पराठा बना सकते हो। तब मैं ये आटा लगा ले रही हूँ गेहूँ का, और बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा बेलेंगे मॉइस्चर है तो यहाँ भी चिपकेगा, चाहे तो आप चकले पे भी ऑयल लगा सकते हो, लेकिन इतनी अच्छी बाइंडिंग है कि आराम से ये बेल जाएगा। चाहे तो आप हल्का हल्का सा ये इस तरह से आटा लगा लीजिए, ये देखिए पलट के फिर से बेल लेंगे। तो सूखे के आटे के सहायता से भी ये देखिए अच्छे से बेल जाता है, ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये पराठे हैं तो हल्के से मैं मोटे बनाऊंगी, मुझे मोटे पराठे अच्छे लगते हैं, चाहे तो आप पतले भी बना सकते हो, जितना बिल जाए उतना आप रख सकते हो। हल्का हल्का सा मोटा रख रही हूँ, एक मीडियम साइज का पराठा मैंने बेल लिया है, ये देखिए आप देख सकते हो अच्छी तरह से बिल गया है, ज्यादा चिपका नहीं है। ये देखिए पराठा अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं इसे डाल देती हूँ सेकने के लिए, एक्स्ट्रा आटा है तो आप झाड़ सकते हो ज्यादा। देखिए पराठा सेकने के लिए डाल देती हूँ, लो से मीडियम हीट पे सेकेंगे, एकदम कम आंच पे भी सेको तो कभी कभी ये होता है कि पराठा थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो जब तक ये पराठा सेक रहा है मैं दूसरा पराठा बेल लेती हूँ। बहुत बढ़िया बाइंडिंग हुई है, अच्छे से देखिए गोल हो जा रहा है। नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नॉर्मली हम गोभी आलू मेथी के पराठे तो खाते ही हैं, लेकिन सभी चीज़ें जब डल जाए तो टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से मिल जा रहा है। हल्का सा आटा लगा लेंगे, बस इसी तरह से बेल लेंगे। ये देखिए हल्का हल्का सा दोनों ही तरफ से सेक लिया है पराठा मैंने। तो अब मैं इसमें लगा दूंगी ऑयल। तो जैसे कि मैं ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ, चाहे तो आप देसी घी लगा सकते हो, बटर लगा सकते हो। अगर आप ऑयल का यूज नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, तो पूरी तरह से इसे रोटी की तरह सेक लीजिए और उसके बाद हल्का सा देसी घी ऊपर से लगा सकते हो। ये देखिए दोनों ही तरफ से ऑयल लगा देती हूँ, और ये देखिए साइड से फूलने भी लगा है, इसका मतलब हमारा पराठा बहुत ही अच्छे से सेक चुका है दोनों ही तरफ से। अगर आप पराठा हल्का सा मोटा बना रहे हो तो इसे अच्छे से सेक लीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया पराठा सिक रहा है, और बहुत ही बढ़िया कलर भी आया है, और टेस्ट तो बहुत बढ़िया आता ही है मिक्स वेज पराठे का। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है ये। किनारे की तरफ से हल्के हल्के से दबा के अच्छे से सेक लीजिए, क्योंकि पराठा हल्का सा मोटा रखा हुआ मैंने। तो आप जिस हिसाब से पराठा बनाते हो आप देख, मैंने आपको दिखा दिया है कि कितने अच्छे से बेल भी रहा है, चाहे तो आप पतला भी बेल सकते हो, हल्का सा मोटा भी रख सकते हो। ये देखिए पराठा हमारा बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है, तो मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं और पराठे बना लेती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हो कि पराठे का कलर ऊपर से चेंज हो गया है, इसका मतलब नीचे से अच्छे से सिक गया है। तो मैं इसे पलट देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से सिक गया है, तो दूसरे साइड भी अच्छे से सिकने दे दें। तो ये साइड पे अभी मैं ऑयल लगा देती हूँ, तो मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, चाहे तो आप देसी घी लगा सकते हो, या पूरी तरह से सिकने के बाद ऊपर से बटर लगा के भी खा सकते हो। तो अभी गैस की आंच मैंने मीडियम की हुई है ताकि दूसरे साइड से सिक जाए अच्छे से, और इस साइड पर मैं ऑयल लगा देती हूँ। तो अभी भी मैं पलट के दूसरे साइड भी ऑयल लगा देती हूँ।
और अब मैं पलट दूंगी इस तरफ ताकि ये तरफ भी अच्छे से, ये साइड भी अच्छे से सिक जाए। ये देखिए हमारा मिक्स वेज पराठा दोनों ही तरफ से बहुत अच्छी तरह से सिक गया है। ये देखिए बहुत अच्छे से सिक चुका है, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। ये देखिए कितना बढ़िया मिक्स वेज पराठा तैयार हो गया है। तो मैंने दूसरा बेल के रखा हुआ है, उसे भी अब मैं डाल दूंगी। तो इसी तरह से मैं पराठा सेक लूंगी। ये देखिए अभी तवा गर्म है, तो जल्दी से ये देखिए अब चेंज हो गया कलर। तो इसी तरह से पराठे सेक लूंगी, उसके बाद मैं इसे खाने के लिए प्लेट में निकाल लूंगी। गर्मा गर्म मिक्स वेज पराठा तैयार है खाने के लिए। और आपने देखा यह पराठा बनाना कितना आसान है। तो आप भी इस आसान सी पराठे की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूले कि मिक्स वेज पराठा आपको कैसा लगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।